ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर दूसरे गांव के भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा कब्जा। मामला कुरौन तहसील मांडा थाना अंतर्गत ग्राम सभा पियरी का है, जहां पर ग्राम सभा की जमीन 82 रकबा 4.6540 हेक्टेयर लगभग 21 बीघा कृषि योग्य भूमि है, जिस पर कुदर गांव निवासी अलाउद्दीन पुत्र बिस्मिल्ला अब्दुल कादिर पुत्र अजमत अली शाकिर अली पुत्र हनीफ अब्दुल पुत्र शाकिर अली व बबोल सरफराज पुत्र अकबर अली तौफीक पुत्र बबोल इमामुद्दीन पुत्र नासिर अली नईम अली व सूफी पुत्र गढ़ अलाउद्दीन मढ़हा व सीट रख कर जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, जबकि पियरी गांव निवासी असगर मोहम्मद खालिक आजाद व मोहम्मद अली द्वारा 26 दिसंबर 2020 को उप जिलाधिकारी कोराव को लिखित तौर पर दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब 9 जनवरी 2021 को पुनः उप जिलाधिकारी कोराव अपर जिलाधिकारी राजस्व प्रयागराज सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर शासन प्रशासन इस प्रकार मूक बाधिर बनी रही तो हिंदू मुस्लिम दंगा भी हो सकता है। दूसरी तरफ प्रधान प्रतिनिधि पप्पू सोनकर से बात की गई तो पता चला कि इसकी सूचना सारे अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जमीन को लेकर यहां पर हत्या या तो और भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं प्रवीण सिंह पटेल की इस खास रिपोर्ट में। जी नमस्कार। नमस्कार, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। मोहम्मद आजाद जी, यहाँ का पूरा पता बताइए। यहाँ का पूरा पता ग्राम पियरी पोस्ट मझगवा डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद प्रयागराज। अच्छा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, किस चीज़ का एप्लीकेशन है ये? सर एप्लीकेशन है, मैंने इसके हमारे घर के पास में एक जमीन है, ये 25 साल पहले से इसका विवाद चल रहा है। जमीन कौन सी जमीन है, कैसी जमीन? ये लकड़ी या मिट्टी है, ग्राम सभा की जमीन है। अच्छा, ग्राम सभा की कृषि योग्य जमीन है जी। अच्छा, तो क्या मामला है पूरा? इसका मामला यह है कि दूसरे ग्राम सभा के कुदर ग्राम सभा से लोग आके धमकी चमकी देके इसको अपहरण कर रहे हैं। अपहरण कर रहे हैं उस जमीन का जी। कौन कौन आ रहे हैं दूसरे गांव से? एक नईम है, एक अली खान करके हैं, उनके पिता का नाम अजमत है, उनका नईम के पिता का नाम है अलाउद्दीन। अच्छा, मतलब काफी लोग हैं। हाँ सर। ये कितने तारीख को कब्जा कर रहे थे उस जमीन? ये 25 तारीख से शुरू किए हैं, जब प्रधान जी का हमारे प्रधान जी का हथकड़ा हट गया है तब से ये लोग आतंक मचा दिए हैं। 25 दिसंबर से जी। तो आपने इसका शिकायत जो है और कहीं किया? मैंने तहसील में किया, कई बार दो बार ले जाके दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी। क्या कहते हैं एसडीएम महोदया को? जी एसडीएम महोदया ने कोई कार्रवाई नहीं किया? कोई सुनवाई नहीं। कुछ तो बताया होगा, कुछ भी नहीं कहा। एक हफ्ते के लिए समय दिए, आज एक महीना बीत गया, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, फिर और कहीं आप लोग एप्लीकेशन दिए? पुलिस अधीक्षक को दिया गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश क्या नाम है उनका, राजस्व विभाग सचिव, विभाग सचिव उनको दिया गया। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या ऐसी तो नहीं नौबत है कि लड़ाई झगड़े होने की तो आशंका नहीं है? नहीं, लड़ाई झगड़े की पूरी आशंका है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो मार होगी, लड़ाई होगी। अच्छा हाँ, इसीलिए हम लोग हत्या भी हो सकती है। हत्या हो भी सकती है। अच्छा, तो इसकी जानकारी और किसी प्रशासनिक अधिकारी को? कोई सुनवाई नहीं हो रहा, क्या बताएं। लेखपाल ने नहीं कुछ किया? लेखपाल ने ही तो जार बोर्ड दिया है। कैसे? लेखपाल ने यहाँ लकड़िया मिर्ती में ग्राम सभा जमीन में नंबर बना दिया है, उनके नंबर है 82 में, ये 82। अब यही है, लेखपाल ने मिली भगत करके अपना ये मकान बनवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा, अभी जो कि प्रधान यहाँ के कौन थे? कन्हैयालाल का नाम उनका अनीता देवी प्रधान थी जी। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि कौन है जानते हैं? पप्पू सोनकर जी हैं। चलिए, आपने अपनी बातों को जिस तरह से रखा, मैं अब इसके आगे जो है आपके प्रधान प्रतिनिधि से बात करता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी, मैं संज्ञान में लेता हूँ।
ये धमकी भी देते हैं कि हम चैनल वालों को भी खरीद लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे, जो क्या कर सकते हैं मेरा चैनल वाले क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया वालों को भी धमकी देते हैं, खरीद लेंगे हम आप लोगों को भी। ये भी कहते हैं कि जिसके सर पे जूता मारेंगे चांदी का उसका मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की बातें रखते हैं, इस तरीके की बातें रखते हैं। चलिए ठीक है, मैं प्रधान प्रतिनिधि से बात करता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। अभी आजाद भाई ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा जमीन के मैटर को लेकर के, क्या यह मैटर आपके संज्ञान में है? जी मेरे संज्ञान में है, मेरे ग्राम पंचायत का है। अच्छा, हमें भली बात हम इसको जानते भी हैं। हाँ, ये जमीन जो कि जंगल झाड़ी के नाम से दर्ज है। हाँ, हमारे एक मंजरा ग्राम निवारी है। हाँ, उस ग्राम सभा में लगभग 19 बीघा की जमीन है वो, और जो विवादित हैं द्वितीय पक्ष के, उनका जमीन 82 ख में है, जो कि अब 82 ख में वो लोग बना रहे हैं। इसके लिए गांव के जैसे आजाद हुए, असगर हुए, यानी अनेकों लोग जा करके तहसील में पहला एप्लीकेशन जो कि 25/12 को दिया गया, उस पर भी केवल आश्वासन दिया गया कि चलिए हम 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण कर देंगे। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने तहसील दिवस पे दिया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं 9 तारीख को फिर उप जिलाधिकारी कोराम को दिया मैंने, तो 3 दिन के लिए फिर लिख करके दे दिए, उस पर निस्तारण नहीं हुआ। इसी के बाद जस्ट हम 9 तारीख को अपर जिलाधिकारी प्रयागराज को, राजस्व विभाग को मैंने दिया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मैंने दिया, जो कि आज तक इसका निस्तारण नहीं हुआ। और इस विवाद से हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं अप्रिय घटना न घट जाए, और इस घटना के पीछे हम बहुत चिंतित हैं। इस पे शासन प्रशासन कोई इस पे अमल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो क्या यहाँ हिंदू भी रहते हैं? वो मुसलमान जो भी यहाँ कब्जा किए हैं वो कहाँ के हैं? वो हमारे बगल एक गांव कूदर है। अच्छा, कूदर के लोग आकर के आपके ग्राम सभा में कब्जा कर रहे हैं? हाँ, वो जबरन जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से। अच्छा, और यहाँ धमकी देते हुए हाँ ऐसा करके वो अपना घर द्वार बनवा रहे हैं। नहीं तो SDM महोदय को कार्यवाही करनी चाहिए। 7 दिन का समय दिया उन्होंने, फिर 3 दिन का समय दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो क्या लेखपाल को इसकी जानकारी नहीं है? मैंने लेखपाल को तो कई बार फोन के माध्यम से दिया, मैंने एप्लीकेशन में भी लेखपाल के भी अवगत करवाया, लेकिन इस पे जब शासन नहीं सुनाई दे रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या न करें, तो हम क्या कर सकते हैं उसके पीछे। यानी कि घटना होने की आशंका है आप लोगों को, लेकिन जो है शासन सत्ता और अधिकारी के कुछ सुन नहीं रहे हैं, आज नहीं सुन रहे हैं। शायद ऐसी है, अब तो ये घटना घटी तो सब शासन प्रशासन सुनना शुरू कर देगी, हमको तो ऐसा लगता है। तब उस जगह हमने इस बात को सवाल रखेंगे कि आज क्यों और कैसे हुआ। इसी के साथ जिस तरह से आपने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा, आपकी बात जो है ऊपर के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगी और इसका निवारण कराया जाएगा।